क्लास सेवन पार्ट नंबर आपका थर्ड सी का, कि कहते सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग दिस फ्रॉम दिस, कि ये वाला नंबर आपने सब्ट्रैक्ट करना इस वाले नंबर में से, ठीक है। पहले मैं आप सॉल्व किया, 2 × 3/8 कितना होगा, 8 × 2 = 16, 16 + 3 = 19, 19/8। उसके बाद 25 × 8 = 200 + 10 = 210/25। तो अब ये वाले नंबर में से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना, तो 210 में से 25 माइनस 19 ओवर 8 माइनस किया, पहले 20 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 200। अब मैंने डिनोमिनेटर 200 बनाना, ठीक है, 25 को 8 से करूँगा, इसको भी 8 से करूँगा, फिर ही नीचे 200 बनेगा। तो 8 को किससे करूँ, पहले 8 को इससे डिवाइड करके देख लेना कितना आएगा, 25, मतलब इसको 25 से मल्टीप्लाई करना, 25 × 25 ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। ये जितना आंसर है उसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर चाहे यहाँ पर ही छोड़ देना, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेकर आना तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ले आ सकते हो, 241/40, ठीक है। 46 कितना होता है, 241, अब देखो 6 × 1/40, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहने देना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहने देना, अगर सिंपल रहने देना तो सिंपल रहने, ठीक है। उसी तरह जैसे दूसरा सम है, -3/13 को सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम दिस में से, 6/-52 में से, तो 6/-52 मैंने वैसे लिख दिया, सब्ट्रैक्ट तो करना ही था, बाहर एक और माइनस है, माइनस माइनस आगे जाके क्या है, +3/13, ठीक है। अब एलसीएम 52 और 13 का कितना आया ना, 15 और 13 का एलसीएम मैंने निकाला, 52 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर 52 बनाना अब इन दोनों का, ये तो 52 है, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा 13, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 52 बने 4 से, तो इसको भी 4 से करेंगे, ये देखो नीचे वाले स्टेप, तो दोनों का डिनोमिनेटर 52, अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया ऊपर वाली चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, -6 में +12 के ऐड किए, 3/26, ठीक है। इस तरह सम करने, मतलब पहली चीज़ को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट करना, तो अगर इधर भी माइनस का साइन है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, मान लो 9 × 5/16 माइनस किया, तो माइनस तो ये भी है, तो माइनस माइनस आगे जाके क्या है ना, प्लस का साइन बन जाना, जो इस सम में हमने किया, ठीक है।